नमस्कार, पैसा वसूल की एक और ताजा तरीन कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं करुणा। हर बार की तरह इस बार भी शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से। आज हम जिस परिवार से आपकी मुलाकात कराएंगे उसमें कमाने वाले सदस्य भले ही दो हैं, लेकिन उनमें से एक जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में देखेंगे कि एक बस चालक कैसे अपने पूरे परिवार का भार संभालने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है। इस समस्या से निपटने के लिए आरबीआई ने बैंकों को दो चरणों वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है। आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंकों की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं पासवर्ड आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के साथ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पीकेआई आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली भी होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 6 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आंकड़ों के मुताबिक पीपीपी के लिहाज से 2011 में ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 6.4% थी, जबकि चीन और अमेरिका की 14.9 और 17.1% थी। भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के एक रिपोर्ट के अनुसार आगामी मानसून में अगर कम बारिश हुई तो चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 0.25% कम हो सकती है और रिजर्व बैंक को ब्याज दर में कटौती का फैसला 2015 तक टालना पड़ सकता है। लेकिन यदि बारिश सामान्य होती है तो वृद्धि दर 5.4% पर पहुंच जानी चाहिए, जो कि पिछले साल 4.7% थी। पूंजी आधार बढ़ाने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष 2014-2015 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त पूंजी डालने की योजना बना रही है। कई टेलीकॉम कंपनियां जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेलुलर को बड़ी राहत देते हुए टीडीसैट ने इंट्रा सर्कल 3G रोमिंग करार को मंजूरी दी है। साथ ही दूर संचार विभाग द्वारा कंपनियों पर लगे 1200 करोड़ रुपए जुर्माने को भी खारिज कर दिया है। तो आइए चलते हैं हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ बस चालक निलेश बोटके के घर। अपने पिता की तरह निलेश बोटके एक बस चालक बने और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने में अपने पिता का सहयोग दिया। 29 वर्ष के निलेश साल 2008 से इस पेशे में उतरे और आज जब उनके पिता सेवा से निवृत्त होने के कगार पर हैं, तो वे अपने परिवार का पूरा भार संभालने की तैयारी में जुटे हैं। उनके परिवार में उनके पिता के अलावा उनकी माता, उनकी पत्नी एवं उनकी 3 वर्ष की बेटी है। निलेश और उनके पिता के संयुक्त आय पर उनका परिवार चल रहा है। कुल राशि 18,000 रुपये आती है, जो कट के हाथ में 11-11.5 तक आ जाती है। और उसके बाद मेरे पापा भी BHT में एज अ बस ड्राइवर काम करते हैं, तो वो हिसाब से हमारी मंथली इनकम 40,000 तक जाती है। 12,000-15,000 रुपये रोजमर्रा के खर्चों में और कुछ निवेश के बाद बोर्ड के परिवार केवल 1,000-2,000 रुपये बचाने में ही सक्षम होते हैं। मेरे बच्चे के शिक्षण के लिए जो भी मतलब 1,000-2,000 रुपया बचाना चाहता हूँ, तो वो फिलहाल अभी मैं बैंक में जमा करना शुरू कर चुका हूँ। निलेश ने पिछले वर्ष ही अपनी बेटी के नाम पर एक मनी बैक जीवन बीमा पॉलिसी ली है, जिसका सम अश्योर 4,00,000 रुपए और मैच्योरिटी पीरियड 16 साल है। इस पर निलेश प्रति माह 1,024 रुपए प्रीमियम भरते हैं। निलेश ने एक मेडिक्लेम भी ले रखा है। मेडिकल का प्रीमियम मुझे 11,000-12,000 तक है और 3,00,000 का कवर है उसमें। और उसके बाद मुझे BHT की तरफ से भी भविष्य निर्वाह निधि कट होती है, उसका बेनिफिट मुझे रिटायरमेंट के बाद है। निलेश जिस घर में रहते हैं वो उनके पिता द्वारा खरीदी हुई है। कुछ सालों के बाद निलेश अपना घर खरीदने की इच्छा रखते हैं। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। निलेश ने अभी तक अपने रिटायरमेंट के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई है। प्रोविडेंट फंड में जमा होने वाली उनकी पूंजी ही फिलहाल उनके रिटायरमेंट से जुड़ी निवेश है। उनके पिता के रिटायर होने पर उनका परिवार आर्थिक तौर पे उन पर निर्भर होगा। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए वे हमारे एक्सपर्ट से वित्तीय सलाह चाहते हैं। सैलरी जबकि 12-15 या 18 तक जा रही है, उसमें से बचाना क्या है, मेरे बच्चे के लिए आगे भवितव्य के लिए कैसे बचाऊँ, तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो कैसे संभालना है, इसके बारे में मुझे अगर कोई अच्छी तरह से बताए तो अच्छी बात होगी। तो आपने देखा कि किस तरह निलेश अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझने का प्रयास कर रहे हैं।
आइए देखते हैं निलेश की कठिनाइयों पर हमारे एक्सपर्ट हर्ष रूंगटा की क्या राय है। आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बहुत ही सब ऑप्टिमल है, अच्छी पॉलिसी नहीं है। टर्म पॉलिसी भी आप जाकर ऑनलाइन लीजिए। 25 लाख की पॉलिसी अगर आप 30 साल के लिए लेते हैं 5,300 साल के लगेंगे उसमें आपके पॉलिसी प्रीमियम पे। और जब भी ये आपका एग्जिस्टिंग मनी बैक पॉलिसी के 3 साल जब पूरे हो जाएं इसे सरेंडर कर दें। आपकी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो थोड़ी महंगी है, आप उसको पोर्ट करवाइए, उसको शिफ्ट करिए। और पिताजी और माताजी के लिए भी 3 लाख की पॉलिसी लीजिए। अब आपके पास जो सरप्लस है वो करीबन 3,000 रुपये बचेंगे। पिताजी की आपके पेंशन की इनकम शायद उनके खर्चे के लिए इनफ ना हो, तो उसमें से जितना भी पैसा उनको चाहिएगा वो आपको देना पड़ेगा। बाकी के जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उसको आप NPS अकाउंट में सेव कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है आपको तो आप PPF अकाउंट में भी उसे डाल सकते हैं। आप फ्यूचर में आपकी बच्ची के लिए एजुकेशन है या मैरिज है उसके, या आपके खुद का रिटायरमेंट का जहाँ तक सवाल उठता है, वो सारा का सारा जिम्मा ये आपके जो घर हैं और आपने कहा कि पुश्तैनी ज़मीन है आपके गांव में, उससे कुछ ना कुछ उससे रिज़ल्ट निकलेगा उस समय जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी। और फ्यूचर में जब आपकी इनकम बढ़े तब उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये फ्लैट्स आपके पिताजी के नाम पर हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने पिताजी से कहकर उसका वसीयत करवा लें। इसी तरह अगर आप भी अपनी आर्थिक समस्याओं से संबंधित सलाह चाहते हैं तो हमें ज़रूर सूचित करें। हमें आपके खतों और ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे SME फंडिंग पर एक रिपोर्ट, साथ ही हमारी एक्सपर्ट आपको बताएंगी निवेश करने की सही विधि। देखते रहिए पैसा वसूल। BSE SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। छोटे मोटे उद्योग या कारोबार चलाने वाले हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। पैसे की इस कमी को दूर करने के लिए वे SME फंडिंग यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फंडिंग का सहारा ले सकते हैं। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार। SME सेक्टर देश के करीब 6 करोड़ लोगों को नौकरी देता है। देश की GDP में 17% की हिस्सेदारी छोटे उद्योगों की है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उपेक्षित भी यही सेक्टर है। SME के पास फंड जुटाने के लिए काफी सीमित विकल्प होते हैं। हमारे देश में बड़ी समस्या ये है कि ज्यादातर SMEs को फाइनेंसेस के बारे में जानकारी नहीं होती। SME लोन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए, या तो अगर आप सेवाओं में हैं तो आपके उपकरणों में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम होना चाहिए। SME लोन बहुत सारी संस्थाएं आपको आज के तारीख में मिल सकती है, लेकिन सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के तहत बहुत सारी संस्थाओं को ये अधिकार दिया गया है जो SMEs को लोन की सुविधाएं दे सकती है। इनमें सबसे पहली संस्था है SIDBI है या NABARD है, इसके अलावा NISM है। सिर्फ बैंक लोन तक SME की पहुंच होना काफी नहीं है। लोन लेने के लिए कोलैटरल उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का हल क्रेडिट गारंटी से निकाला गया है। ये फंड छोटे कारोबारियों को आंशिक या पूरी तरह से गारंटी देते हैं, जिसकी मदद से वो बैंक से कोलैटरल फ्री लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। आपको बैंकों को अपने बिजनेस को
बिजनेस की जो वायबिलिटी है वो पहले प्रूव करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको उन्हें यह दिखाना होगा कि आपकी मैनेजमेंट बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस को मैनेज कर पाएगी। आपके पास उसके लिए जितने भी एजुकेशनल बैकग्राउंड की ज़रूरत है उस बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है, और फिर उस उद्योग में आप किस तरह से अपना काम कर सकते हैं ये आपको बैंकों को समझाना होगा। बैंकों को एंटरप्रेन्योर्स को कर्ज देने के नियम आसान बनाने चाहिए, जिससे कि एंटरप्रेन्योर को फंड आसानी से मिल सके और वो अपने तथा देश के विकास में योगदान कर सके। सरकारी नौकरी करने वालों को नौकरी के दौरान सरकार से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये सुविधाएं उनकी पेंशन तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। हमारी फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीना मेहता आपको बता रही हैं कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की आर्थिक प्लानिंग कैसे की जाए। आप किसी भी सरकारी नौकरी अगर आप करते हो तो जब तक नौकरी रहती है तो बहुत सारी सुविधाएं वो उस कंपनी की ओर से मिलती है, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट की बात आती है तो क्वार्टर सरेंडर कर देने पड़ते हैं, घर का सवाल बन जाता है, और जो मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह है वो कुछ जगह में कंटिन्यू होती है, कुछ जगह में नहीं भी रहती है। तो दो बातें बहुत ही आवश्यक है, एक तो आपको अपने घर के लिए आपको बचत करनी चाहिए, आप जब रिटायर हो तो आपके पास एक घर की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए जब हमारी रनिंग इनकम होती है तो इस समय में घर का प्रयोजन कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेडिकल इंश्योरेंस कई गवर्नमेंट संस्थाएं अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है, लेकिन जो बाद की ज़िंदगी में दो तीन जो प्रकार के रोग है जो लेटर लाइफ में होते हैं, एक तो आँख के मोतीबिंदु का ऑपरेशन, दूसरा बाईपास सर्जरी, तीसरा नी रिप्लेसमेंट, और मर्दों में प्रोस्टेट का ऑपरेशन, ये तीन चार ऑपरेशंस बिल्कुल एक रूटीन तरह के ऑपरेशन हो गए हैं, तो ये बातों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो एक घर की ईएमआई भरनी और दूसरी मेडिकल इंश्योरेंस भरना, ये दो बातें का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में, जिसमें हम मिलेंगे एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर से। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational, is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. एक बार फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं पैसा वसूल। दुनिया भर में चॉकलेट का व्यापार बहुत बड़ा है, हर उम्र के लोग चॉकलेट पसंद करते हैं, तो जाहिर है ऐसे में चॉकलेट की मांग भी काफी होगी। लोगों की इसी पसंद को भुनाने की सोची बी रुचिका और उनके पति दिनेश ने, और शुरू की अपनी खुद की एक छोटी सी चॉकलेट फैक्ट्री। आइए मिलते हैं इनसे, हमारे संवाददाता रत्ना नायर के साथ। चॉकलेट इंडस्ट्री विश्व भर में फैला हुआ है और इसकी मांग भी बहुत ज्यादा है। बाजार में अनगिनत ब्रांड्स के चॉकलेट उपलब्ध हैं, कुछ बड़ी कंपनियों के तो कुछ छोटे मोटे उद्योगों में बने हुए। इन्हीं में से एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं बी रुचिका, जो अपने पति दिनेश भांगदिया के साथ आज एक सफल चॉकलेट बिजनेस चला रही हैं। 2009 में मैंने ये स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ मेरे हस्बैंड, एंड मैंने इनिशियली आरसीटी मॉल में एक काउंटर लगाया था, रिटेल काउंटर, और विद अब बोली 50,000 रुपीज कैपिटल के साथ। कुकिंग का शौक रखने वाली रुचिका हमेशा से ही ऐसा कुछ करना चाहती थी जिसमें उनकी रुचि हो। चॉकलेट बनाने में प्रशिक्षण हासिल करके रुचिका ने छोटे तौर पे रुचॉक्स नाम से जो बिजनेस शुरू किया था, उसका टर्नओवर आज 5 लाख से बढ़कर 80 लाख का हो गया है, और इस बिजनेस से वे 10% का मुनाफा कमा लेती हैं। बहरहाल बिजनेस की शुरुआत में उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ा था। बेसिक प्रॉब्लम्स ये थे कि क्वालिटी कंट्रोल, कंपटीशन था मार्केट में, उनसे लेवल करना था,
और स्किल्ड लेबर नहीं थे मेरे पास, और एक मेजर इशू था ट्रांसपोर्टेशन। चॉकलेट बनाने के लिए रुचिका कुछ रॉ मटेरियल सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदती हैं, जिससे उनके दाम में बचत होती है और कुछ कच्चा माल आयात भी करती हैं। चॉकलेट्स की पैकेजिंग वो आउटसोर्स करवाती हैं। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से भी वर्कर्स मिल जाते हैं, और दूसरा हम एजेंसीज को भी अप्रोच करते हैं ऑल मुंबई में, सब जगह पे जहाँ भी डिलीवरी होता है तो टेम्पो जाता है, और जो आउट ऑफ मुंबई बाहर में जो डिलीवरी होता है कुरियर कंपनीज के साथ हमारा टाइप है। रुचिका का व्यवसाय गिफ्ट चॉकलेट्स पर केंद्रित है, जैसे कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, दिवाली गिफ्टिंग इत्यादि, और इसका मार्केट साइज काफी बड़ा है। इनका व्यवसाय महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में फैला हुआ है। इसके साथ साथ अब वे रिटेल में भी अपना सिक्का जमाने के प्रयास में जुटी हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें हम देंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ जानकारी और हमारे एक्सपर्ट द्वारा इसी विषय पर कुछ खास सलाह। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world ranks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। हमारे दर्शकों की मांग पर हम आज आपको दिखा रहे हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ अनावश्यक खर्च और शुल्कों के बारे में हमारे तीसरे सेगमेंट संचय में। पेश है रत्ना नायर की ये रिपोर्ट, जिसके जरिए हम नजर डालेंगे क्रेडिट कार्ड संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। क्रेडिट कार्ड से होने वाली सहूलियत के बारे में कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आपका घरेलू खर्च हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी संबंधित खर्च हो या फिर किसी मनोरंजन अथवा घूमने फिरने में लगने वाला खर्च। क्रेडिट कार्ड्स अत्यंत ही सहयोगी साबित होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से करना अत्यंत आवश्यक है। यथासंभव अपने पूरे बैलेंस का भुगतान करें। केवल मिनिमम अमाउंट ड्यू का भुगतान करने पर आपको 3% तक का मासिक शुल्क यानी साल भर में 36% तक की भरपाई करनी पड़ सकती है। साथ ही ग्रेस पीरियड पर निर्भर ना रहें और ड्यू डेट से पहले ही अपना पेमेंट करें, वरना आप व्यर्थ ही लेट पेमेंट फी देने को बाध्य हो जाएंगे। एक होता है लेट पेमेंट चार्जेस, ये निर्भर करता है बैंक टू बैंक और आपका कौन सा कार्ड है उसके ऊपर, बट ऑन एन एवरेज ये 400 से 600 रुपया आपको चार्ज देना होता है। उसके अलावा आपको जो भी आपका बकाया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है 2.75 से लेकर 3.40% पर मंथ। बैलेंस ट्रांसफर के जाल में लोग अक्सर फंस जाते हैं। जिनके पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वे अक्सर इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं बिना ये समझे कि इसके ऊपर 3-5% इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग फी चार्ज की जाती है, जो उनके बैलेंस को और बढ़ा देती है। इसलिए इसका उपयोग करना उपयुक्त नहीं होता है।